अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। बेटा, फिजिक्स में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, और चैप्टर नंबर 3 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहे थे मोमेंटम वाले। मोमेंटम के टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, फिर इससे रिलेट एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने वो 2 क्लासों के अंदर जो है उसको बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है कि जी अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उस सिस्टम में जितना भी टोटल मोमेंटम होगा वो फिक्स होता है। भले कुलिजन 10 दफ़ा होता रहे, 20 दफ़ा होता रहे, जितना भी कुलिजन होगा टोटल मोमेंटम जो एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो फिक्स होता है। उसके बाद इस लॉ से हमें एक इक्वेशन मिलती है, वो ये है m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है। इसके अंदर वेरिएबल्स बड़े मायने रखते हैं। ये 1 और 2 क्या होता है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। m से मुराद होता है मास, u से मुराद होता है कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और ये जो v है इसका मतलब होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी बाद की, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को आप कहते हो। तो ये जो है ये साइड आपको बता रही है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये साइड आपको बता रही है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, बराबर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। फिर हमने इस लॉ को वेरीफाई भी करके देखा था, हमने वेरीफाई किया था और वाकई में यही इक्वेशन बनी थी, ठीक है, ये हमने वेरिफिकेशन भी की थी। उसके बाद हमारा चल रहा था टॉपिक इलास्टिक कुलिजन से रिलेट। इलास्टिक कुलिजन का हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने आपको बताया था इलास्टिक कुलिजन ऐसा कुलिजन होता है, इलास्टिक कुलिजन जो है ऐसे कुलिजन को हम कहते हैं जिसके अंदर मोमेंटम मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है, दोनों अनचेंज रहती है, यानी टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद सेम होती है। इस कोलिजन को आप, ऐसे कोलिजन को आप कहते हो इलास्टिक कोलिजन। अब हम इलास्टिक कोलिजन के हवाले से एक डेरिवेशन कर रहे थे, मैंने उसकी वीडियो भी बना के आपको भेजी थी, वर्ड पर भी भेजी थी। अब हमने एक समझ लें आप ड्राइंग पैड लिया है, अब हम उस ड्राइंग पैड पे भी करके देख लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेरिवेशन। शुरू का पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जरा जल्दी जल्दी कर लूंगा। देखें, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन होता है m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2। इसके अंदर फिर हमने क्या करा, सेम मास वाली जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लिया, यानी m1 वाले आप एक तरफ कर लें, m2 वाले आप एक तरफ कर लें। तो ये m1 वाला आपने लिखा m1 u1, और ये जो m1 वाला है ये प्लस का है, इसको दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का m1 v1। अब इधर से ये गया तो क्या बचा, m2 v2 m2 v2, और ये वाला भी m2 है प्लस का, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -m2 u2। यानी इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने सेम मासेस वाले वेरिएबल्स लेफ्ट साइड और राइट साइड एक तरफ कर लिए। m1 वाले हमने लेफ्ट साइड पे रख दिए, m2 वाले हमने राइट साइड पे रख दिए। अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, m1 कॉमन ले लें। m1 आपने कॉमन लिया तो अब क्या क्या बचा, इधर से m1 कॉमन गया u1 बचा माइनस, और इधर से m1 गया v1 बचा। यही चीज आप यहाँ पर करें, इस साइड पर भी आप m2 कॉमन ले लें। m2 आपने कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा, v2 - u2। ये हमारे पास कहलाती है इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कहा था कि ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन से हासिल किया। उसके बाद चूंकि इलास्टिक कुलिजन होता है, काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलिजन और आफ्टर कुलिजन एक ही होती है, फिक्स होती है, तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, 1/2 m1 u1 2 + 1/2 m2 u2 = 1/2 m1 v1 2 +
वन अपॉन टू एम टू वी टू स्क्वायर। ये वाली जो बात है इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन फिक्स है। अब इससे भी हम ये इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन क्या बनेगी मैं बना के तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था। मैं डायरेक्ट इक्वेशन टू लिख देता हूँ। इक्वेशन टू हमारे पास बनती है एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू वी टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी बनती है और इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर टू है। लास्ट क्लास में हमने इसके अलावा थोड़ा सा और काम किया था, वो मैं अब बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना ली ये वाली, ये इक्वेशन है वन, और एक हमने ये बनाई, ये इक्वेशन है टू। ये सारा पिछली क्लास में हमने किया था, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम करेंगे डिवाइड। पहले आप ये पहली वाली ये वाली इक्वेशन लिख लें, यानी इक्वेशन टू, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन टू लिखी, डिवाइड किया इसको हमने इक्वेशन वन से। ये इक्वेशन वन आपके सामने, इस इक्वेशन वन को लिख दें, एम वन यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस यू टू। ठीक है, तो हमने ये दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया, एम वन से एम वन कट गया, एम टू से एम टू कट गया। ऊपर आप फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ऊपर हमारी दो दो ब्रैकेट बन जाएंगी, एक बनेगी यू वन माइनस वी वन की और एक बनेगी यू वन प्लस वी वन की। इधर नीचे आपके पास है यू वन माइनस वी वन। इसी तरीके से इस तरफ भी, इस वाली साइड पर भी आप फॉर्मूला लगा दें, दो ब्रैकेट बन जाएंगी, एक बनेगी वी टू माइनस यू टू की और एक बनेगी वी टू प्लस यू टू की, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या है देखें, वी टू माइनस यू टू। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, ऊपर जो है इस हिस्से पर हमने फॉर्मूले लगा दिए दोनों साइड पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो दो दो ब्रैकेट बना दी, एक ए प्लस बी की एक ए माइनस बी की। ये ब्रैकेट कट गई, ये ब्रैकेट कट गई, क्या बचा आपके पास, यू वन प्लस वी वन इज इक्वल्स टू वी टू प्लस यू टू। इसको हमने कहा था कि ये है इक्वेशन नंबर थ्री। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब हम आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं जरा, इस इक्वेशन को जरा वापस कर लेते हैं और बाकी सबको उड़ा देते हैं। ठीक है जी, तो ये सब तो सारा जो हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, ये सब वो एक छोटा सा रिविजन कराना होता है, वो मैंने आपको करा दिया। अब हमारी इससे आगे की कहानी है, हमने ये इक्वेशन थ्री बना ली, अब हम इसके आगे की बात करेंगे। अब हमारे इस डेरिवेशन में मकसद क्या है, हमें इन दो के लिए फॉर्मूले बनाने, दो चीजों के लिए फॉर्मूले बनाने, एक वी वन के लिए और एक वी टू के लिए। इन दो के लिए हमें फॉर्मूले बनाने, यानी कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज, पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला बनाना है और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला बनाना है, दोनों के लिए बना रहे हैं। तो हम पहले बनाएंगे फॉर वी वन, वी वन के लिए मैं बना रहा हूँ फॉर्मूला, इसके लिए वी वन के लिए बना रहा हूँ। अब अगर हमें वी वन का फॉर्मूला बनाना है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री लेंगे, U1 प्लस वी वन इज इक्वल टू वी टू प्लस यू टू, ये इक्वेशन नंबर थ्री है। अब अगर आपको V1 चाहिए ना, तो इसमें से V2 की फाइंड आउट करो, आप V2 को रहने दो, बाकी ये U2 है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, उल्टा काम। V1 चाहिए तो इसमें से V2 निकालो, और अगर V2 चाहिए होगा तो हम इस इक्वेशन में से V1 निकालेंगे, ये याद रख लीजिएगा। तो हमें चूंकि V1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थ्री जो लिए इसमें से हम V2 निकालेंगे, V2 को आप रहने दें, ये जो U2 है ना प्लस का, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि U1 प्लस V1 माइनस का U2 इज इक्वल टू V2। ये आपने V2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है।
वी वन चाहिए, हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर थ्री ली और उसमें से वी टू निकाल लिया, ये आपके पास वी टू आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला एक फॉर्मूला लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो वाला स्टेटमेंट लें, वो वाला फॉर्मूला लें, वो एम वन वी वन वाला, वो वाला फॉर्मूला लें, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये वाला फॉर्मूला लिया और वी टू की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दें, ये स्टेटमेंट डाल दें। ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, जरा गौर कर लीजिएगा इसमें। हमें क्या चाहिए, वी वन चाहिए, हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर थ्री ली और उसमें से वी टू की वैल्यू निकाल ली। वी टू किसके बराबर है, यू वन प्लस वी वन माइनस यू टू। ठीक है, हमने अगर वी वन चाहिए तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर थ्री ली और उसमें से ये निकालेंगे वी टू, इसको हम उधर ले गए, माइनस का हो गया, ये वी टू का फॉर्मूला आ गया। अब आप क्या करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिया और इसमें ये जो वी टू है इसकी जगह ये डाल दो। चलें जी, अब डाल देते हैं, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू, और अब वी टू की जगह हम ये डाल देंगे, ये डाल दें आप, ये हिस्सा डाल दें, वी टू की जगह अब हम ये हिस्सा डाल देते हैं, तो वी टू की जगह आ गया यू वन प्लस वी वन माइनस यू टू। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, पहले ये ब्रैकेट खोलें आप, ये सब तो ऐसी आ जाएगी सारी, ये बकवास ऐसी आती है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस, अब ये ब्रैकेट खोलें, एम टू तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम टू यू वन, ये वाला हिस्सा जो है ये हो जाएगा प्लस एम टू वी वन, फिर माइनस, और फिर एम टू को यू टू से मल्टीप्लाई करें तो एम टू यू टू। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ हमने ये वाली ब्रैकेट खोली है, ये एम टू जो है हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखें तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, वी वन वाले एक तरफ कर लें और बाकी वेलोसिटीज यू वाली एक तरफ कर लें, वी वाली एक तरफ कर लें, यू वाली एक तरफ कर लें, तो इसको इसको और इसको यही रहने देते हैं, क्योंकि ये दोनों वी वाली है आफ्टर कोलिजन, और ये जो दो है ना, एक ये और एक ये, इनको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी इस साइड पे ले आएं, ठीक है, इस साइड पे ले आएं इसको आप। तो अब हम करते हैं इसको सही तरीके से, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ये तो पहले से मौजूद थी, इधर साइड पे राइट साइड पे मैं वी वन वाले रहने दूंगा, U1 और ये जो U2 है इन दोनों को उधर ले जाऊंगा, तो पहले इसको ले जाते हैं, प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस M2 U1, और इसको ले जाएं, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, आप इस साइड पे आपके क्या बच गया, V वाली, M1 V1 प्लस M2 V1। ये जरा मैथमेटिक्स है, टेढ़ी है, इसलिए कहा मैंने आपको हजार बार आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, तो मैं दोबारा यहाँ तक रिपीट करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बिस्मा भी आई है, जरा वो भी सुन लेंगी। हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक छोड़ा था, ये क्वेश्चन नंबर थ्री थी। अब हम क्या कर रहे हैं, वी वन का फॉर्मूला बनाना है, वी वन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री ली और इसमें से यू टू की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, ये जो यू टू है इसको आप उधर ले जाए, वी टू को रहने दें, ये जो यू टू है इसको आप दूसरी तरफ ले गए, माइनस का हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया वी टू का। अब आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला या इक्वेशन लें और इसमें ये जो v2 है इसकी जगह ये वैल्यू डाल दें आप, ये जो वैल्यू है ये वाली u1 प्लस v1 माइनस u2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये देखें मैंने ब्रैकेट खोली, उसके बाद v वाली रहने दें, u वाली जो वेरिएबल्स हैं इनको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये जो है प्लस m2 u1, देखें क्या हो गई, माइनस, और ये जो माइनस एम टू यू टू है ये दूसरी साइड पे आके क्या हो गई, प्लस। अब आप कॉमन लें, सिंप्लीफाई करें, तो जरा गौर से देखिएगा, ये देखें ये और ये सेम है, प्लस कर दें इनको आप, एम टू यू टू एम टू यू टू, तो ये हो जाएगी टू एम टू यू टू, और बाकी ये दोनों इनको हम ऐसे लिख देते हैं, एम वन यू वन माइनस एम टू यू वन,
बल्कि मैं इसको दूसरी साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ना ये दब रही है। हाँ तो मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, ये क्या हो गई देखें, ये वाली एम टू यू टू और ये एम टू यू टू सेम है, देखें प्लस हो रही है, आप ऐड कर दें, ये हो जाएगा टू एम टू यू टू। ठीक है, अब क्या क्या बच गई आपके पास, एक ये बच गई, एक ये बच गई, इसको ऐसे लिख दें प्लस एम वन यू वन और दूसरी क्या है माइनस एम टू यू वन। ठीक है जी, ये लेफ्ट साइड हो गई। राइट साइड पे आप क्या करें, वी वन कॉमन ले लें, वी वन आप कॉमन ले लें, क्या बचेगा एम वन प्लस एम टू, वो आप ब्रैकेट में लिख दें एम वन प्लस एम टू। बस अब आप क्या करें, इस ब्रैकेट को इधर ले आए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये ब्रैकेट इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया टू एम टू यू टू प्लस, अच्छा इधर आप देखें यू वन कॉमन लिया जा सकता है इस हिस्से पे, तो यू वन कॉमन लें, क्या बचेगा एम वन माइनस एम टू, और ये जो ब्रैकेट थी ये वाली, इसको इधर ले आया मैं, तो क्या हो जाएगी ये डिवाइड एम वन प्लस एम टू, इधर क्या बच गया वी वन। अब आप क्या करेंगे, ये एलसीएम ब्रेक करें, ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स का है, इस टर्म का भी है, इस टर्म का भी है, दोनों को दे देते हैं, ये हो जाएगा टू एम टू यू टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, और इसको भी दे दें आप, तो ये हो जाएगा प्लस यू वन एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय, इसको भी ये डिनोमिनेटर मिल गया एम वन प्लस एम टू इज इक्वल्स टू वी वन, ये आपका जो है वी वन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मुश्किल है, यकीन माने एक दो दफा अगर आप अपने हाथों से करेंगे ना, आप कहेंगे सर खामा खाई कहते थे कि इतनी मुश्किल है इतनी मुश्किल है, तो बहुत आसान है भाई ये, क्योंकि तरीका एक ही जैसा रहेगा, तरीका एक ही जैसा रहेगा। अभी हम जो अगली जो वी टू की बनाएंगे ना, अभी हमने ये वी वन की बनाई है, जब हम वी टू की बनाएंगे देखेगा वो भी इसी जैसी होगी तकरीबन। तो हमने करा क्या, हमने लास्ट क्लास में ये इक्वेशन नंबर थ्री बना ली थी, दो दो वीडियो मौजूद है देख लिएगा, ये इक्वेशन हमने थ्री बना ली थी। अब हमें अगर वी वन का फॉर्मूला बनाना है, देखें आखिर में मैंने किसका बनाया वी वन का, तो वी वन का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है आप क्या करें, थर्ड इक्वेशन लें और इसमें से वी टू को रहने दें, वी टू की वैल्यू बना दें आप, यू टू को उधर ले जाएं, प्लस का यू टू इधर आके माइनस का यू टू हो गया, ये वी टू का फॉर्मूला हो गया एक लिहाज से। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लें और उसमें ये जो वी टू है इसकी जगह ये डाल दें जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है, यू वन प्लस वी वन माइनस यू टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लें, फिर वी वाली रहने दें, यू वाली क्वांटिटीज दूसरी तरफ ले जाएं, तो एक ये वाली क्वांटिटी जाएगी, एक ये वाली जाएगी और एक ये वाली जाएगी, इन दोनों को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ये आगे देखें आपके सामने, एक ये री और एक ये री, और दूसरी तरफ आपके पास वी वाली बच जाएगी। अब इस तरफ आप क्या करेंगे, वी वन कॉमन ले लें, ये देखें वी वन कॉमन ले लिया, इस तरफ आप सिंप्लीफाई करें, ये वाला क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी प्लस हो जाएंगी, ये हो जाएगा टू एम टू यू टू, और इसमें इसमें ये आपने लिखा और इसमें से आप एम वन यू वन को कॉमन ले लेंगे। अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, आखिर में एलसीएम ब्रेक करें। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो माइक खोल के पूछो, क्योंकि फिर अब मैं वी टू बताऊंगा, माइक खोल के पूछ सकते हो अगर आपको किसी को सवाल है, मैंने अनम्यूट कर दिया सर, थोड़े सबका ऐसी ऐसी ले लें सर, क्या कर दूं स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, सही है चलना फिर सही है। ठीक है, सवाल कोई है तो पूछें, देखिए सीधी सी बात बताऊं, दो अभी आपको हो सकता है उल्टी आ रही हो इस इक्वेशन को देख के, मुझे भी आई थी जब मैंने जिंदगी में पहली बार 2001 में पढ़ी थी, लेकिन आज हम एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस इसको दो तीन दफा करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, बेफिक्र रहे हैं अभी आप, आपको पता है ना असाइनमेंट दो दो तीन तीन बार अभी होगा आपके साथ, दो तीन बार आपको यकीन माने ये आसान लगने लग जाएगी। तो अब हमने ये वी टू बना लिया, सॉरी वी वन बना लिया, हमने वी वन का फॉर्मूला बनाया ना हमने, ये देखें वी वन का, अब हम बनाते हैं वी टू का। ठीक है, अब हम वी टू का बनाते हैं, उसके लिए फिर वही बात, इसी इक्वेशन नंबर थ्री से स्टार्ट करेंगे, इन सबको हम मिटा देते हैं, इन सबको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, हम उसी इक्वेशन थ्री से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बनाया था वी वन का फॉर्मूला, अब हम बनाएंगे फॉर वी टू, अब हम वी टू का फॉर्मूला बना रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं वी टू का फॉर्मूला, हमने वी वन का बना लिया, अब देखिएगा सिंप्लीफिकेशन अब बिल्कुल इसी जैसी रहेगी, बस थोड़ा बहुत फर्क आएगा। हम क्या करेंगे वही जी इक्वेशन नंबर थ्री लें, इक्वेशन नंबर थ्री क्या है, यू वन
प्लस वी वन इज इक्वल्स टू वी टू प्लस यू टू, ये क्वेश्चन नंबर थ्री ली। अब हम इसमें से वी वन निकालेंगे, मैंने कहा है ना अपोजिट करो, मैं वी टू बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसमें से क्या निकालूंगा, वी वन, वी वन को रहने दे, वी वन को रहने दे, ये जो है यू वन इसको दूसरी तरफ ले जाए, प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया वी वन इज इक्वल टू वी टू प्लस यू टू और वो इस साइड पर आके क्या हो गया माइनस। ये आपके पास आ गया वी वन की इक्वेशन, ठीक है, बिल्कुल वही है पहले देखें पिछले वाले, पिछली जो अभी कराई आपको डेरिवेशन उसमें मुझे v1 का फॉर्मूला बनाना था तो मैंने इक्वेशन 3 के साथ क्या किया था u2 को v2 को रहने दिया था दूसरी तरफ ले गया था बाकी चीजें, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया। अब हम क्या करेंगे वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लें, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये लॉ ले लिया। आप इस लॉ में ये जो वी वन है ये रहा वी वन, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, चलें डाल देते हैं एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन और अब ये वी वन की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट में डाल के लिख लें वी टू प्लस यू टू माइनस यू वन, ठीक है बाकी सब एज इट इज, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा एम टू वी टू। अब हम क्या करेंगे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बाकी सब चीजें ऐसे रख देते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट खोलते हैं m1 तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा दें m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1, यानी ये m1 जो है इन तीनों के साथ लग गया देखें, बाकी ये जो है m2 v2 ये एडिटिव आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था सोचें जरा ध्यान में दौड़ाएं, हमने क्या किया था v वाले एक तरफ कर दिए थे u वाले एक तरफ कर दिए थे पिछले हिस्से में, हमने क्या किया था पिछले v2 वाले v1 वाले फॉर्मूले में हमने v1 वाले एक तरफ रहने दिए थे v और u वाले जो है हमने दूसरी तरफ ले गए थे। तो अब आप यहां से किस किस को मूव करेंगे, इन दो को मूव करें आप, इन दो को क्योंकि ये दोनों u के, ठीक है इन दो को मूव करा देते हैं हम, एम वन U1 प्लस M2 U2। अच्छा जी अब ये दोनों आ रही हैं इस तरफ, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, माइनस M1 U2 और ये M1 U1 जो है ये माइनस का है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का M1 U1, ठीक है तो ये जो मैंने आपके सामने लाल मार्क किया हुआ है लाल अंडरलाइन जो की हुई है मैंने इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले आया, साइन चेंज हो गए, राइट साइड पे आपके पास क्या बचा दोनों v वाली वेरिएबल्स बच गई m1 v2 प्लस m2 v2, ठीक है अब आप बस इसको सॉल्व कर सकते हैं जितना कर सकते हैं करें। तो देखें जी इस बार ये दोनों ऐड हो जाएंगी m1 u1 दोनों सेम है प्लस है तो आप ऐड कर दो इनको, ये हो जाएंगे 2 m1 u1, बाकी ये जो दोनों है इनको आप ऐसे टेस्ट लिख देते हैं अभी m2 u2 माइनस एम वन यू टू। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे वी टू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एम वन प्लस एम टू। अब आप इसमें से देखें यू टू कॉमन ले सकते हैं तो अब यू टू कॉमन ले लें इनमें से तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये टू एम वन यू वन, इसमें से हमने यू टू कॉमन ले लिया प्लस का यू टू हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास एम टू बचा माइनस इसमें से U2 गया क्या बचा M1, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है देखें V2 ब्रैकेट के अंदर है M1 प्लस M2। अब आप ये जो ब्रैकेट है इसको इधर ले जाएं, इसको इस साइड पे ले आए, इस ब्रैकेट को इस साइड पर आएगी ये डिवाइड हो जाएगा 2M1 U1 प्लस U2 M2 माइनस M1 डिवाइड हो गया किससे m1 प्लस m2 से, इस तरह आपके पास क्या बच रहा है v2। अब बस आखिरी स्टेप है LCM ब्रेक करें, m1 m2 जो है इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ चला जाएगा तो 2m1 u1 इसके पास भी आ गया देखें m1 प्लस m2, और ये जो आपके पास है u2 m2 माइनस m1
इसके साथ भी आ गया आपके पास ये M1 प्लस M2, ये आपके पास हो गया V2 का फॉर्मूला। तो देखा आपने दोनों की सिंप्लीफिकेशन एक ही तरह की है, बस ये जरा M1, U1, M2, U2, V2, बस यही वाले मामला कंफ्यूजेबल होते हैं, यही कंफ्यूज करते हैं, बाकी ये कुछ ना इतना मसला नहीं है। तो कोई सवाल है पहले तो बच्चों इसमें से पूछो, अगर आप लोगों को किसी को कोई सवाल है माइक खोल लो और पूछो इस डेरिवेशन में। अलीशबा, बिस्मा, हादिया, लाइबा, अबू बकर, आप बच्चों कुछ सवाल है आपको तो पूछने हैं तो बस इसमें आप जरा स्टेप याद रखिएगा, ये जो होती है ना इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये वाली जो डेरिवेशन होती है इसमें हमें कुछ एक स्टेप याद रखने होते हैं। पहला ये कि हम ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली स्टेटमेंट लेते हैं, ये वाली। इसमें से हम सेम मास वाले एक तरफ कर लेते हैं, यानी M1 एक तरफ कर लें, M2 एक तरफ कर लें, M1 वाले एक तरफ कर लें, M2 एक तरफ कर लें, और फिर इक्वेशन 1 बनाई हमने, ये पहला स्टेप होता है। फिर हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इस हिसाब से एक इक्वेशन बनाते हैं, और उससे फिर हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 2 और 1 दोनों को डिवाइड करके ये वाली इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 के बाद हमें दो काम करना है, V2 का फॉर्मूला बनाना है और V1 का फॉर्मूला बनाना है। हमने अगर जैसे V2 का बनाना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 लेंगे और उसमें से V1 की वेरिएबल मालूम कर लेंगे, V1 को इक्वेशन 3 को हम V1 की इक्वेशन बना देंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में डालकर सिंप्लीफाई कर देंगे। और अगर हमें V1 बनानी है तो हम इक्वेशन 3 में से V2 की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई में ये याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप ये जो ये जैसे आपने V1 मालूम करी थी तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिया, उसमें ये जो V1 है इसकी जगह आपने ये वैल्यू डाल दी, फिर आपने ये ब्रैकेट खोली, ब्रैकेट खोलने के बाद आप जो है यू वाली लेफ्ट साइड पे कर गए और वी वाली जो है वो राइट साइड पे लिया है। उसके बाद दो क्वांटिटीज जो है वो प्लस होंगी, इसमें ये दो प्लस हो रही थी, हमने प्लस कर दिया इन दोनों को, और ये जो दो हैं इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन निकाला हमने। राइट साइड पे क्या होगा, हम V2 कॉमन या V1 कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको दूसरी तरफ लाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा डिवाइड, और आखिर में LCM ब्रेक कर दें, ये कहलाता है LCM ब्रेक, LCM आप ब्रेक कर दें, ठीक। कोई सवाल है बच्चों तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे मूव ऑन आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, ये हमारा मोमेंटम का टॉपिक समझ लें आप, खत्म हो जाएगा जो मोमेंटम वाले मामला आते हैं हमारे, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आएगी इसके केसेस भी होते हैं, लेकिन केसेस पढ़ना जो है वो अब मेरे हिसाब से, तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा केसेस मत पढ़ो। केसेस पढ़ने से आपका ये होगा कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो केसेस तो आते नहीं है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ये भी जहन से निकल जाती है। कोई सवाल है तो पूछे, क्या है आप लोग कुछ जवाब तो दे दें, हाँ या ना का। नहीं सर, बस ये कॉपी में उतारनी है, बाकी समझ तो आ रही है, बड़ी मैं कह रहा था कि एक मेरी आती है ना एक साथ सारा काम, तो कॉपी में उतार लेते ना तो आ जाती है। देखो सीधी सी बात बताऊं, ये मैंने कराया है, आपको अभी इसमें लगा होगा मिलेगी, लेकिन खुद करोगे ना फिर पता चलेगा कहाँ पे लैक है। मिसाल के तौर पर जब खुद करने बैठोगे ना ये वाली लाइन भूल रहे होगे, तो फिर यार ये वीडियो देख लेना, मैं जो आपको दूंगा तो देख लेना, लेकिन लाजमी खुद जरूर करना, खुद करोगे फिर ये आएगी, नहीं तो ये आप समझ लें मुझे आ गई, मेरी प्रैक्टिस हो गई, आपने तो खाली देखा है तमाशा, जब तक आप खुद नहीं करोगे आप लोगों को ये नहीं आएगी। तो इसकी जरा एक दो दफा ये आज का असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, इसकी दो दफा मुझे करके दे दिएगा इस डेरिवेशन को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे अगली चीज, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के हवाले से बात करेंगे, फ्रिक्शन भी आता वाता नहीं है कोई, इसकी ये जो टॉपिक है ये आता नहीं है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन वाले मामला आते हैं तो उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा दोहराएंगे। और 6 मिनट हैं हमारे पास, हालांकि इधर तो टाइम शो हो रहा है कि 10 मिनट हैं, इधर 6 मिनट हैं, हैरत है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली चीज पर इस चैप्टर में, मोमेंटम और जो उसका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमारा खत्म हो गया। इस टॉपिक के अंदर मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम दोनों आती है, डेफिनेशन यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो याद करनी होती है वो आती भी है,
और उसके साथ साथ इन दो में से कोई एक चीज आ जाती है। कभी कहते हैं ये कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में वी टू और वी वन की इक्वेशन बनाओ, तो जो अभी हमने डेरिवेशन की है ये करनी होती है, काफी बड़ी होती है और लॉन्ग में आती है। और कभी कभार ये आ जाता है कि जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो और उसको वेरीफाई करो, तो आप वो लॉ की स्टेटमेंट लिखिएगा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम। और उसके बाद जो आपको पहली डेरिवेशन कराई थी ना जिसमें हमने वेरीफाई किया था लॉ को, वो वाली डेरिवेशन करनी होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के, और टेंशन के जो दो केसेस थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, इसका नाम है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है जरा ये समझेंगे, फ्रिक्शन के फॉर्मूले को देखेंगे, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है। फ्रिक्शन क्या होती है जी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉक्स है और ये एक जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक बॉक्स है मेरे पास और ये एक जमीन पर रखा हुआ है। अब मैं इस बॉक्स के अंदर मोशन पैदा करना चाह रहा हूँ, इसको हरकत करना चाह रहा हूँ, इसको चलाना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा? आपको पता है कि जी अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना होता है तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। इस वक्त इसकी स्टेट रेस्ट है और मैं किस में लाना चाह रहा हूँ? इसको मोशन में, यानी मैं इसकी स्टेट चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, एक डब्बा हमारे पास जमीन पर रखा हुआ है और मुझे उसको चलाना है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक अपोजिंग फोर्स पैदा हो जाती है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा हो जाएगी। अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे फोर्स पैदा हो जाएगी, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे फोर्स पैदा हो जाएगी। इसको आप कहते हो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब आप यहां देखें, यहां मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऐसे, तो अब होगा क्या, अपोजिंग डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा हो जाएगी, उस फोर्स को आप कहते हो फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा करने के लिए जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। एक बात, दूसरी बात, ये आपके मोशन को अपोज कर रही है, मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, रोक रही है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। आपको मोशन पैदा करने के लिए आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन देखें इसको तोड़ निकाल रही है, उल्टी डायरेक्शन में है ना, उल्टी डायरेक्शन में, इसका मतलब है तोड़ पैदा कर रही है, यानी कि ये मोशन को अपोज कर रही है। तो इसी फ्रिक्शन की वजह से अगर आप एक अलमारी पर धक्का लगा रहे होते हो, फोर्स लगा रहे होते हो और आप कहते हो अलमारी हिल नहीं रही, वो क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि फ्रिक्शन जीत रही होती है, उस वक्त फ्रिक्शन आपकी अपोज मोशन को अपोज कर रही होती है और उस पर कामयाब भी हो रही होती है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा करने के लिए फोर्स अप्लाई करोगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पैदा होगी, उस अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। एक बात, दूसरी बात, ये आपके मोशन को अपोज करती है, आपके मोशन को रोकती है। तीसरी बात, सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है खुद से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, जितनी फोर्स होगी ना उस हिसाब से अपने आप को ये एडजस्ट कर लेगी। अगर आप 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 न्यूटन, कैंसिल हो गई, बॉल नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा। आपने जी इंक्रीज कर दी, अब आपने फोर्स 2 न्यूटन से आपने बढ़ा दी, 3 न्यूटन कर दी, ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ये भी अपने आप को इंक्रीज करके 3 न्यूटन पे कर लेगी। अब भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अब भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा। आप इस फोर्स को इंक्रीज करते जाओगे, फ्रिक्शन अपने इस आपकी फोर्स के हिसाब से बढ़ती जाएगी। आप अगर फोर्स को कम करोगे, फ्रिक्शन भी कम होती जाएगी। सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू द फोर्स, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। लेकिन ये जो इसका सेल्फ एडजस्टिंग वाला मामला है, ये एक खास लिमिट तक ही होगा। ये नहीं है कि आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी अब बढ़ती जाएगी, नहीं, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक बढ़ती जाती है। जैसे कि अक्सर लोग जुआ खेलते हैं, जेब में पैसा है उसके, अब सामने वाली पार्टी पैसा लगाई जा रही है, जितना वो पैसा लगा रही है ये वाली पार्टी भी उतना पैसा लगाई जा रही है। उसने 100 रुपए लगाए, इसने भी 100 रुपए लगाए, उसने 400 रुपए लगाए, इसने भी 400 रुपए लगाए। लेकिन क्या ये हमेशा इस तरह अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा? नहीं, इसकी भी जेब की एक लिमिट है जी, 1000 2000 जितने पड़े हुए होंगे उस वक्त तक ये लगा सकता है, उसके बाद ये हार मान लेगा, जुआरी जो है वो हार मान लेगा। यही मामला फ्रिक्शन के साथ है, फ्रिक्शन भी अपने आप को फोर्स के साथ एडजस्ट करेगी, लेकिन एक लिमिट होती है।
उस लिमिट तक, सपोज करें इस केस के अंदर हमारी जो फ्रिक्शन की लिमिट है वो है 10 न्यूटन, तो अब आपकी फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन तक इंक्रीज करेगी, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। आपने फोर्स को 7 न्यूटन करा, फ्रिक्शन भी 7 हो गई, 8 करा फ्रिक्शन भी 8 हो गई, 9 करा फ्रिक्शन भी 9 हो गई, 10 करा ये भी 10 हो गई। अब आप जब 11 करोगे अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये अपने लिमिट पर पहुंच गई। इस लिमिट वाली फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्या मामला होगा जब लिमिट पर पहुंच जाती है, ठीक है, अब ये दोबारा कचरा सब मिटा दूं। अच्छा ये लेस देन अ मिनट रह गया, चलें अब हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कल कंटिन्यू कर लेंगे। आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से, 1 मिनट से कम रह गया।